नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका छठी कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने हमसे सब कहते ये कविता का भावार्थ समझा था। आज हम इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। अभ्यास कविता ज्ञान, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक। उसमें क है सूर्य क्या देता है, सूर्य रोशनी देता है। चांद क्या देता है, चांदनी देता है। बादल क्या बरसाते हैं, तो बादल पानी या जलधार बरसाते हैं। कविता याद करो और गाओ। हाँ, तो आपको ये जो कविता है हमसे सब कहते हैं, ये आपको कविता याद करनी है और गानी है। ये भी आपका आज का गृह कार्य है। फिर लिखित, राइटिंग स्किल। अम्मा क्या कहती है, तो अम्मा पूरे घर में खेल खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। अम्मा पूरे घर में खेल खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। पापा कहाँ खेलने के लिए मना करते हैं, तो पापा अंदर खेलने के लिए मना करते हैं। इस कविता के कवि कौन है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, इस कविता के कवि निरंकार देव सेवक हैं। चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ सूर्य है और इधर बादल है, तो यहाँ सूर्य से संबंधित कविता की पंक्ति लिखनी है और यहाँ बादल से संबंधित कविता की पंक्ति लिखनी है। सूर्य तो नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर दिया है भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स। पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ आपको चांदनी दिया है, तो ये इनको अलग करके लिखना है। चांद द नी जलधार, तो झ जमा ल जमा धा जमा र। बादल तो बा जमा द जमा ल। खिलौने खी जमा लौ जमा ने। खबरदार ख जमा ब जमा र जमा दा जमा र। सबका स जमा ब जमा का, तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। फिर समान तुक वाले शब्द लिखो। धूप तो सूप, कप सब, बस दस, अंदर तो बंदर, घर पर, मत तो लत। फिर पहला वर्ण बदल कर नया शब्द बनाओ। पहला वर्ण हमको बदलना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे कि अंदर तो बंदर एक नया शब्द बन गया, खाली आगे का वर्ण जो ब बदला तो बंदर बन गया। भर तो नर, भैया नैया, खेल मेल, यहाँ वहाँ पर कर। फिर दिया है सोचो और बोलो, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। घर में और विद्यालय में आपको किन किन कामों को करने के लिए कहा जाता है और किन कामों को करने के लिए मना किया जाता है। विच थिंग्स आर यू टोल्ड टू डू एंड नॉट टू डू इन द हाउस एंड स्कूल। सो तो ये आपको अपने से ही लिखना है और करना है। खेल खेल में एक्टिविटी। नीचे दिए चित्र को ध्यान से देखकर पहचानो और लिखो कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण आपको डांट पड़ सकती है। सी द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड ऑब्जर्व एंड राइट द थिंग्स फॉर विच यू कैन बी स्कॉल्डेड। तो यहाँ आपको उसके लिए जगह भी दिए, वहीं आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।